हेलो हाइस, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। डियर गाइस, मेहनत करते रहिए, आप सफल होंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस वक्तव्य के साथ आज हम चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 6 के अंतर्गत चेंजिंग ऑफ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस, चेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हमने पार्ट 5 इससे पहले जो आपका अपलोड किया उसमें था, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना था। तो अब हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा हो, अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, पिछले पार्ट को देखिए, पार्ट 5 देखिए, उसके बाद पार्ट 6 देखिए, तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक उसके अपोजिट रूल्स का यूज हम करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं अच्छी तरह से, साथ साथ रूल्स भी डिस्कस करते चलेंगे। लिखा है इट इज ए वेरी फाइन वेदर। वो लिखा होगा ब्रैकेट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कहने का है दिए गए सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बदलना है। इट इज ए वेरी फाइन वेदर। असर्टिव सेंटेंस दिया है, सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फॉर्मेट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का किस में आता है, असर्टिव में आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इसे एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां लिख देंगे, कैसे बदलना है परीक्षा में लिखना आपको, तो इस तरह से शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेडिंग टाइप बनाएंगे, फिर आपको लिखना है या। अब देखिए इट इज ए वेरी फाइन वेदर, अब उसमें वेरी दिया है, ध्यान दीजिए इसे हमने बताया था कि हाफ या ग्रेट, सॉरी हाव या व्हाट को हटा करके वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। उसी प्रकार से वेरी या ग्रेट को हटा करके व्हाट या हाव में बदल देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर वेरी या ग्रेट का यूज सेंटेंस में दिया है तो उसके स्थान पर जब हम उसे एक्सक्लेमेट बनाएंगे तो हाव या व्हाट में बदल देते हैं। तो किसने बनाएंगे, हाउ से बना लीजिए हाँ। अब इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, इट का भी यूज हटा देंगे आप, तो हम असर्टिव बनाने के लिए करेंगे इसका। हाउ आ गया, हाउ के बाद एडजेक्टिव रखेंगे, अगर वेरी दिया है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, फाइन। तो हाउ फाइन, तुरंत एडजेक्टिव का यूज करेंगे, हाउ फाइन। फिर वेदर, ये नाउन आएगा। अब इज है, इज सबसे बाद में लगा देंगे और संबोधन का लगा देंगे बेटा चिन्ह। हाउ फाइन वेदर इज, हाउ फाइन वेदर इज, इस तरह से आप बदल जाएंगे। अब इसे देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है, आप लगा सकते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। तो कर सकते हैं व्हाट का यूज कर लो, व्हाट
फाइन व्हाट ए आ रहा है यहाँ पर व्हाट ए फाइन वेदर बस ये बन गया व्हाट ए फाइन वेदर। व्हाट के बाद क्या दिया है फाइन और यहाँ भी फाइन है यहाँ भी फाइन है इसका मतलब ये एडजेक्टिव दिया है फिर उसके बाद नाउन दे दिया। अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया अगर आप न चाहें तो ना भी कर सकते हैं तो भी अर्थ हमारा क्लियर माना जाएगा ये आपके समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं द डे इज वेरी फाइन ये फाइन से वो बना देते सेंटेंस उसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी बनाना होगा ठीक उसके अपोजिट रूल्स का यूज करेंगे हम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना है बताया था हाउ का प्रयोग कर लो या व्हाट का प्रयोग कर लो तो उसमें हम वेरी दिया है वेरी के बाद क्या दिया फाइन दिया है तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे किसमें चेंज कर देंगे हाउ में बना के देख लीजिए हाउ। अब देखिए फाइन क्या है हमारा एडजेक्टिव जब वेरी दिया है तो तुरंत हाउ के बाद क्या लगाना हमें एडजेक्टिव लगाना है हाउ फाइन द डे ये नाउन आ जाएगा द डे इज और संबोधन का लगा देंगे चिन्ह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी बन गया। और व्हाट से ही बना सकते हैं उसके लिए व्हाट ए फाइन डे ऐसे बना दीजिए इसमें साइक्रिया भी मत लगाइए तो भी बन जाएगा हमारा व्हाट ए फाइन डे क्या सुंदर दिन है क्या अच्छा दिन है अर्थात दिन बहुत ही सुंदर है बहुत ही मनोरम है बहुत ही मनमोहक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को व्हाट या हाउ को जब वेरी दिया हो तो वेरी हटा करके व्हाट या हाउ का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके समझ में आ रहा होगा उम्मीद है हमें आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा वीडियो को देखिए मैं कभी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में आपको बताएंगे क्यों नहीं आ रहा। अगला पॉइंट देखिए सी इज ए ग्रेट स्टूडेंट। अब देखिए सेंटेंस में हम जब इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो सी इज ए ग्रेट स्टूडेंट वह एक महान या अच्छी विद्यार्थी है। अब इसमें देखिए ग्रेट वर्ड दिया है क्या दिया है ग्रेट तो ग्रेट वर्ड होने पर हम मोस्टली व्हाट में चेंज करते हैं। अगर ग्रेट दिया है वेरी दिया है तो व्हाट और हाउ दोनों में चेंज कर सकते हैं अगर ग्रेट दिया है तो इसे हम व्हाट में ही चेंज करते हैं। तो सेंटेंस किससे शुरू करेंगे सबसे पहले व्हाट समझ लीजिए व्हाट। अब इसके बाद तुरंत हम नाउन रखेंगे क्या रखते हैं व्हाट के बाद नाउन रखते हैं सी को भी हटा दीजिए अब नाउन का स्टूडेंट तो व्हाट ए स्टूडेंट बस संबोधन का चिन्ह लगा दीजिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए बाद में सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी बन गया व्हाट ए स्टूडेंट क्या विद्यार्थी अर्थात। अब व्हाट के बाद यह है इसके तुरंत बाद क्या दिया है नाउन दिया है
जब ग्रेड दिया जाए तो तुरंत वाट के बाद हमें नाउन का यूज करना है। पुनः समझ लीजिए, सबसे पहले वाट का यूज करना है, तुरंत उसके बाद नाउन लगाना है। वाट ए स्टूडेंट, अब देखिए इसमें आपको सहायक क्रिया भी है, बस इसी तरह से सेंटेंस बनेगा। वाट ए स्टूडेंट, ये तो हमारा अच्छा स्टैंडर्ड हो गया, ऐसे बना सकते हैं हम। वाट ए स्टूडेंट इतना बना लिया। अगर आप इसे भी लिखना चाहते हैं वाट ए स्टूडेंट सी एज, ये भी बन सकता है, कभी कभी ये पहले आ जाता है। वाट ए स्टूडेंट इज सी, लेकिन ये आपका सबसे उत्तम आइडिया है। इस तरह से सेंटेंस को आप बदल रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, आराम से समझ के जाइए। तो आपने ये समझा कि द वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर ये फॉर्मेट हमारा किसका है, असर्टिव सेंटेंस का है, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो हमें वेरी को किसमें बदलना है, वेरी को हम हाउ में भी बदल सकते हैं या फिर व्हाट में भी बदल सकते हैं। हाउ या व्हाट में वेरी को बदल देंगे। अब देखिए दूसरा, ये पहला फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट ये आ सकता है आपका बेटा व्हाट प्लस नाउन। अगर व्हाट के बाद नाउन दिया जाए तो सीधी सी बात है इसे ग्रेट में बदल, इसलिए मैंने दूसरा वाला लिख दिया। तो यहां दिया ग्रेट, ग्रेट प्लस नाउन दिया जाए तो हम ग्रेट को कुछ बदल देंगे, व्हाट में बदल देंगे। ग्रेट के तुरंत वहां नाउन है तो सीधी सी बात है व्हाट में बदलेंगे, और वेरी के बाद एडजेक्टिव और नाउन है तो हाउ या व्हाट किसी में भी हम बदल सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। दरअसल ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझते जाइए। अब देखिए अगला सेंटेंस हम लेंगे, फोर्थ नंबर, थ्री हमने कवर कर लिए, तो फोर्थ नंबर ये होगा 58 मैटर ऑफ जॉय दैट हिज ब्रदर हैव पास्ड द IAS examination. अब इसको हमें बनाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट हिज ब्रदर हैव पास्ड द IAS examination. अब देखिए अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इससे खुशी का इजहार हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। तो इसलिए मैटर ऑफ जॉय को हटाकर किसका यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, हमें एक्सक्लेमेटरी में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी बनाना है हमें, तो किसका यूज करेंगे बताइए। तो हमें लगाना है जब जॉय दिया हो तो हम हुर्रा या हा हा हा, हुर्रा या हा 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 में बदल देते हैं, डेट को भी हटा देंगे, तो इसके स्थान पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय को हटा करके हुर्रा या हा 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 का प्रयोग करेंगे, डेट को हटा करके संबोधन का यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस को बिना किसी छेड़ा खाने के यथावत लिख देते हैं। तो हिज ब्रदर हैव, हैज लिखेंगे, सॉरी हैव नहीं, हैज लिखिए, सिंगुलर है, हैज
आहद द IAS एग्जाम IAS एग्जाम छोटा लिखा छोटा लिख दीजिए मॉल में कोई दिक्कत नहीं आप कंट्री गवर्नमेंट का भी बड़ा कहाँ से आ गया और बाद में फुल स्टॉप लगा दें घोड़ा हिज ब्रदर हैज पास्ट द IAS एग्जामिनेशन ये आपके समझ में आ गया। अगला देखिए इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट हर ग्रैंडफादर डाइड लास्ट नाइट। अभी हमारा असर्टिव सेंटेंस दिया है इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट हर ग्रैंडफादर डाइड लास्ट नाइट। बड़े दुख की बात है कि उसके दादाजी कल रात गुजर चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना है अब देखिए सोरो का मतलब होता है दुख या खेद प्रकट करना। तो हमें इट इज मैटर ऑफ जॉय को हटा करके अलाज या आह का प्रयोग करना आह या अलाज लगाएंगे आह या अलाज जॉय को हटा करके संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं। बाकी सेंटेंस को यथावत हम लिख देते हैं कोई चेंजिंग नहीं करेंगे लिख देंगे हादर बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कैपिटल लेटर शुरू करेंगे हर ग्रैंड फादर फादर ग्रैंड फादर डाइड लास्ट नाइट। इस तरह से हमारा सेंटेंस एक्सप्लेनेटरी बन गया यहां लिख सकते हैं आप लिखा नहीं हुआ एक्सप्लेनेटरी और यहां भी देखो लिख दो एक्सप्लेनेटरी क्योंकि एक से लिखा होगा आपका। इस तरह के भी सेंटेंस अगर सोरो लिखा हो तो अलास में मदद दीजिए हुर्रा लिखा हो तो जो लिखा हो तो हुर्रा में बदल दीजिए ये आपके समझ में आ गया हो। इसी तरह के सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक पैटर्न और है उसे भी देख लीजिए इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन सर आपका। दूसरा पैटर्न है छठा नंबर देख लीजिए आई विश सी वर ए क्वीन आई विश सी वर ए क्वीन आई विश मैं कामना करता हूं सी वर ए क्वीन काश वह एक रानी होती या महारानी होती है नहीं कल्पना का सेंस है इच्छा प्रकट की है विश कर रहा है। तो इसको हम जब एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे बेटा तो किस्म बदल देंगे हमने पीछे बताया था जब एक्सक्लेमेटरी असर से बनाया था तो गुड डेट या ओ फोर के सेंस में हम किस्म बदल देते हैं आई विश को हटा देंगे और इसके स्थान पर गुड डेट का प्रयोग करेंगे क्या लगाएंगे आई विश को हटाकर गुड डेट का प्रयोग करेंगे बाकी सेंटेंस को यथासंभव लिख देंगे। तो सी वर ए संबोधन का लगा देंगे चलिए। तो इस तरह भी सेंटेंस आ सकते हैं इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आप इससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत टेक केयर।